सामने कैसे हैं आप बड़ी कॉम्प्लेक्स लीगल बातें चल रही हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत पता नहीं लास्ट लेक्चर आप लोगों को ठीक तरह से समझ आया भी या नहीं एनीस लास्ट लेक्चर के रेफरेंस में मैं कुछ थोड़ा सा रिकैप आपके सामने पेश करता हूँ सिर्फ वो चंद स्लाइड्स जो आपको रिकैप करवा देंगी लास्ट सारा लेक्चर उसमें देखिएगा मैं आपको दोबारा बता दू कि आज भी उन्हीं लीगल कंसिड्रेशन से मुतक बातें चलेंगे लेकिन उनकी कॉन्टीन्यूटी तभी बनती है जब आपको लास्ट लेक्चर की बातें समझ आ जाएँ ठीक है लास्ट लेक्चर में आपको याद है कि आपने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में बातचीत की थी और फिर उसके बाद उसके रिमूवल और रिप्लेसमेंट के बारे में बात की थी तो मैं अब आपको उसकी अपॉइंटमेंट के रेफरेंस में बातें याद दिलाने लगा हूँ आपको याद था ना कि तीन लेवल्स पर हम उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं कब फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट उसकी शरात क्या है किसने करनी है कितने दिनों में करनी है वगैरह वगैरह फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स और फिर कैजुअल वैकेंसी के वक़्त ऑडिटर की अपॉइंटमेंट किस तरह की जाती है इन्हीं बातों को मैं ज़रा एक मरत दोबारा आपके सामने पेश करने लगा हूँ तो देखिएगा कि फर्स्ट ऑडिटर्स को विद इन सिक्सटी डेज अपॉइंट करना होता है डायरेक्टर्स ने और वो अपने ऑफिस को संभाले रखते हैं टिल द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और अगर डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाते तो विद इन द नेक्स्ट सिक्सटी डेज यानी कि इन टोटल इन कॉरपोरेशन से ओनवर्ड वन ट्वेंटी डेज में मेम्बर्स ने फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट करना होता है ये मेम्बर्स की जिम्मेदारी हो जाती है और अगर मेंबर्स भी अपॉइंट नहीं कर पाते तो जिम्मेदारी किसकी बन जाती है यस yes, एस की अब एस जो है वो विद इन वन डेज इस अपॉइंटमेंट को करेगा फर्स्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ठीक है तो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट बुनियादी तौर पर डायरेक्टर्स ने करनी है अगर 60 डेज में नहीं कर पाते तो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स ने उसकी अपॉइंटमेंट करनी है अगर शेयर होल्डर्स या मेंबर्स भी उसकी अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते तो 120 डेज कब से ऑनवर्ड डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ऑनवर्ड्स 120 डेज के बाद फिर एस सी इन्वॉल्व हो जाएगा अच्छा एस सी सी पी जब भी इन्वॉल्व होगा ये बात जेहन में रखिएगा आप उसको सेवन डेज में इंफॉर्म जरूर करेंगे तब एस सी सी पी जो है वो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज महसूस करेगा तब उसको पता चलेगा इन जी अब ये काम मैंने करना है अदरवाइज एस सी सी पी को कैसे पता चलेगा ठीक है तो जब भी एस सी सी पी रिस्पॉन्सिबल फहरेगा आप उसको वन वीक का नोटिस जरूर देंगे ओके अच्छा जी नेक्स्ट बात क्या थी सबसिक ऑडिटर्स किसने अपॉइंट करने हैं मेंबर्स ने कब अपॉइंट करने हैं एनुअल जनरल मीटिंग में और ये कितना अरसा तक सब ऑडिटर्स अपना ऑफिस संभाले रखेंगे टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और अगर मेंबर्स फेल हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करने में तो फिर एस सी इन्वॉल्व हो जाएगी और अगेन यहां पर भी आपको एस e. को मुतला करना होगा विद इन वन वीक कि जी अब आपने ऑडिटर को अपॉइंट करना अच्छा वेन वी टॉक अबाउट ऑडिटर तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑडिटर का मतलब कि अब हर साल जो ऑडिटर अपॉइंट करना है उसे कौन अपॉइंट कर रहा है फर्स्ट ऑडिटर मींस द वेरी फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी और सब्सिक्वेंट ऑडिटर मीनस अब नेक्स्ट हर साल जो भी ऑडिटर होगा उसको शेयर होल्डर्स ने या मेंबर्स ने ही अपॉइंट करना है अगर नहीं कर पाते तो एस ने उसको अपॉइंट करना होगा क्लियर अब नेक्स्ट बात आती है कैजुअल वैकेंसी की उसमें हमने ये बात समझी थी कि विदिन थर्टी डेज ऑफ द वैकेंसी हमने ऑडिटर्स को अपॉइंट करना होता है और इस की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स के सर पे होती है अब डायरेक्टर्स जो ये अपॉइंटमेंट करते हैं कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए ये टिल नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग वैलिड होती है और हाँ अगर डायरेक्टर्स इसको अपॉइंट नहीं कर सके यानी कि कैजुअल वैकेंसी को फिल नहीं कर सके तो आफ्टर द थर्टी डेज इस वैकेंसी को फिल करती है एससीपी सो so, के रेफरेंस में भी आपको याद होगा मैंने आपसे तीन बातें शेयर की थी एक स्लाइड की शक्ल में उस स्लाइड को एक मतलब दोबारा आपके सामने पेश किया देता हूं सी पी कब रिस्पॉन्सिबल होगी वेन फर्स्ट ऑडिटर्स आर नॉट अपॉइंटेड विद इन वन ट्वेंटी डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ये पहले ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैन सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स आर नॉट अपॉइंटेड इन एनुअल जनरल मीटिंग और कैजुअल वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैन कैजुअल वैकेंसी इज नॉट फिल्ड विद इन थर्टी डेज और फिर आखिरी बात हमने ये सीखी थी कि कभी भी जब ऑडिटर्स जो अपॉइंट किए हुए हैं वो विलिंग नहीं है एज एन ऑडिटर एक्ट करने को तो वहां पर एस सी सी पी इन्वॉल्व हो जाएगी फिर लास्ट लेक्चर में हमने एक और बात भी सीखी थी कि ऑडिटर्स की रेमोनरेशन कौन डिटर्मिन करेगा उसमें बड़ी सादा सी बात थी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो ही उसकी रेमुनरेशन को डिटर्मिन करेंगे इफ द ऑडिटर वॉज अपॉइंटेड बाई एसीपी तो एस सी सी पी ही बताएगी रेमुनरेशन क्या होनी चाहिए इफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड द ऑडिटर्स तो डायरेक्टर्स ही उनकी रेमुनरेशन या उनकी ऑडिट फी को डिटर्मिन करेंगे और इसके अलावा जितने भी केसेस होंगे उसमें शेयर होल्डर्स ही उनकी ऑडिट फी को डिटर्मिन करेंगे ठीक है ये बात हमने सीखी थी और नेक्स्ट हमने जो सीखा था वो रिमूवल के रेफरेंस में सीखा था रिमूवल में इनफैक्ट जो परेशानी हमें आई थी वो नंबर ऑफ डेज को याद रखने में आई थी उसमें हमने ये चीज समझी थी सबसे पहले कि जब हम किसी ऑडिटर को चेंज करना चाह रहे हैं तो वहां पर हमें 14 डेज का नोटिस रिक्वायर्ड है फ्रॉम अ मेंबर

उनको तो हम फौरी तौर पर भेजेंगे फोर्थ विद का लफज इसके साथ लिखा गया और जब हमने बाकी के मेंबर्स को भेज दिया तो विद इन सेवन डेज हम उस नोटिस की कॉपी बाकी के मेंबर्स को भी सर्कुलेट कर देंगे और नेक्स्टेड कंपनी है तो एनुअल जनरल मीटिंग से पहले किसी भी डेट को उस नोटिस को दो न्यूज में पब्लिश करवाएंगे एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक उर्दू लैंग्वेज में अब वो दो न्यूज किस शहर से उनकी इशात होनी चाहिए उस शहर से जिस शहर में वो कंपनी लिस्टेड हुई हुई है लाइक कराची स्टॉक एक्सचेंज तो कराची से वो न्यूज़पेपर पेपर इशू होने चाहिए इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज या लाहौर स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में यही तीन शहर हैं जहां से वो कंपनी लिस्टेड हो सकती है सो so, ये बात थी अगर वो लिस्टेड कंपनी है उस सूरत में हमें ये वाला नोटिस पब्लिश करवाना पड़ता है न्यूज में अब नेक्स्ट बात क्या है कि नोटिफिकेशन ऑफ द चेंज जो कि हमने एस सी करनी है वो विद इन फोर्टीन डेज आफ्टर द डेट ऑफ द ए होना जरूरी है नेक्स्ट हमने जो बात लास्ट लेक्चर के अंदर सीखी थी वो थी अगर डायरेक्टर्स का अपॉइंटेड ऑडिटर होगा तो उसको शेयर होल्डर्स कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलवाकर सिंपल मेजोरिटी के साथ रिमूव कर सकते हैं लेकिन अगर शेयर होल्डर्स का अपॉइंटेड ऑडिटर होगा तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन के बगैर रिमूव नहीं किया जा सकता शेयर होल्डर्स का अपॉइंटेड जो होगा वो डेफिनेटली एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुआ होगा या किसी जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया गया होगा तो जो शेयर होल्डर्स की तरफ से अपॉइंटेड ऑडिटर होगा उसको रिमूव करने के लिए वुड नीड अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रेजोल्यूशन तो स्पेशल रेजोल्यूशन मींस कि 75 ऑफ़ द मेजोरिटी रिक्वायर्ड है आपको अगर 75 परसेंट से कम वोट हैं तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं समझी जाएगी ठीक है यहां तक की बातें थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखी थी, थी। अब मैं बात करूंगा आज के लेक्चर से मुतलक आज के लेक्चर में हमने क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर से मुतल बात करनी है और इससे आगे अभी राइट्स ड्यूटीज लाइबिलिटीज की बातें भी हम करेंगे एज फार एज क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स इज कंसर्न इसके बारे में यू नो वेरी वेल कि हम लास्ट एक लेक्चर के अंदर बात कर चुके हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स Are the people who can audit the financial statements of public limited companies or private limited companies which is subsidiary of the public limited company or private limited company having paid up share capital of three million or more Achha, yahan par paid up share capital ke पेड़ अप शेयर कैपिटल वो होता है जिसके अगेंस्ट कंपनी पैसे वसूल कर चुकी हुई है, resources, resources मिल चुके हुए है उस को. उसको हम पेड शेयर कैपिटल कहते हैं जिस शेयर कैपिटल के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी दैट इज नोन एज ऑथोराइज शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल नॉट टॉकिंग अबाउट दैट शेयर कैपिटल इन दिस पॉइंट यहां पर हम बात कर रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल की जिसके अगेंस्ट कंपनी को रकम मिल चुकी हुई है तो पेड अप शेयर कैपिटल उस कंपनी का अगर थ्री मिलियन या उससे जायद है शर्त किया है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी ऑडिट कौन करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब्सिडरी है किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की या वो बजाते लिमिटेड कंपनी है तो ऑडिट कौन करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पर हमने एक और बात भी सीखी थी कि अगर कोई कंपनी कॉस्ट अकाउंट्स का ऑडिट करवाना चाहती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुताल उसने जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं उनको ऑडिट करवाना चाह रही है तो वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी उन अकाउंट्स का ऑडिट कर सकते हैं दे आर एलिजिबल क्वालिफिकेशन so, के रेफरेंस में चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई भी शख्स इन कंपनीज का ऑडिट नहीं कर सकता एक और यहां पर लिमिटेशन है जो कि में रखिएगा अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है एक तो सिंपल पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि लिस्टेड नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका ऑडिट करेगा सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म लेकिन इफ द कंपनी इज लिस्टेड कंपनी तो वहां पर उसका ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म को सेटिस्फैक्ट्री क्यूसीआर रेटिंग रिक्वायर्ड होगी आई कैप की तरफ से इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान अगर क्यूसीआर रेटिंग दे देता है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू रेटिंग दे देता है उस फॉर्म को तभी वो फर्म लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर सकती है अदरवाइज नॉट ठीक है ये थी इसकी क्वालिफिकेशन And now we'll talk about disqualifications. So disqualifications ke baare mein dekhiye. Following are the persons who are not qualified to become auditor of a company. Conse? Number one, present directors and other officers or employees of the company. Yani ke present director and present employees, Bhale wo chartered accountant si kyun no? वो ऑडिटर नहीं हो सकते क्योंकि हमने चीज देखी ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है ऑडिटर होने के लिए अब हम कह रहे हैं कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर प्रेजेंट डायरेक्टर है तब भी नहीं और अगर वो प्रेजेंट एम्प्लॉय है या कोई ऑफिसर है उस कंपनी का तब भी आप उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकेंगे क्लियर अच्छा ये तो बात ही प्रेजेंट डायरेक्टर या प्रेजेंट की इवन अगर वो पिछले तीन साल में भी डायरेक्टर रह चुका है या एम्प्लॉय रह चुका है तब भी हम उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते इसी तरह से पार्टनर या एम्प्लॉय ओवर डायरेक्टर वो भी डिस्कालीफाई करता है और पार्टनर या ऑफ अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वो भी डिस्कालीफाई करता है वो भी ऑडिटर नहीं हो सकता मींस हमें किसी भी तौर पर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिक्वायर्ड है जो डायरेक्टर होगा मौजूदा या पिछले तीन साल का डायरेक्टर यानी कि पिछले साल वो डायरेक्टर था फिर उसने डायरेक्टरशिप छोड़ दी या उससे पिछले साल था डायरेक्टरशिप छोड़ दी नहीं तीन साल पहले की अगर बात है तब तो ठीक है इसी तरह से कोई इंप्लॉय या कोई ऑफिसर या उस या ऑफिसर का कोई पार्टनर या उस डायरेक्टर का कोई पार्टनर दे आर डिस्कालीफाइड टू बिकम ऑडिटर ऑफ द कंपनी इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है स्पाउस ऑफ द डायरेक्टर वो भी डिस्कालीफाई करते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट अ पर्सन हु इज इन डेटिड टू द कंपनी वो भी डिस्कालीफाई करते हैं अब क्या वजह इन डेटिड मीन जिसने कर्ज लिया हुआ अब यहां पर एक बड़ा बारीक नुकता राइज होता है और यह बारीक नुकता राइज होता है बैंकिंग कंपनीज के ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फर्ज कर लें किसी बैंक के ऑडिटर ने उस बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है, अब वो तो उस बैंक का मक्रूज हो गया उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट क्या वो उस बैंक का ऑडिटर नहीं हो सकता इस पॉइंट के मुताबिक तो यही लग रहा है ना कि वो उस बैंक का ऑडिटर नहीं हो सकता इसी तरह से कोई लीजिंग कंपनी है उसका ऑडिटर है उसने उस कंपनी से कार लीज करवाई हुई है क्या वो उसका ऑडिटर नहीं हो सकता यहां पर एक क्लैरिफिकेशन हमें पेश की गई कि जो किसी प्रोडक्ट के अगेंस्ट इंडेटेड है उसको हम यहां पर इंडेटेड नहीं कहेंगे लाइक क्रेडिट कार्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ बैंक इन द सेम वे वो फाइनेंस लीज इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ लीजिंग कंपनी इन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट अगर वो ऑडिटर मकरूज है तो उसको हम इन नहीं कहेंगे हा अदरवाइज अगर उसने कर्जा ले रखा है उस एंटिटी से तो वो इन कहलाएगा ठीक है सो so, उसकी डिसक्वालिफिकेशन होगी उस ऑडिटर की अगर वो इनडेटिड है उस एंटिटी का नेक्स्ट पॉइंट है अ बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कोई भी इनकॉर्पोरेटेड बॉडी जो है भले वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ही क्यों ना हो वो ऑडिटर नहीं हो सकती नेक्स्ट कहते हैं अ पर्सन और हिज पाउस और माइनर चिल्ड्रन और इन केस ऑफ अ फर्म ऑल पार्टनर्स ऑफ सच फर्म हु होल्ड्स एनी शेयर्स ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट और एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनीज। तो डिस्कालिफिकेशन के अंदर यह बात भी आ जाती है कि ऑडिटर को शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए अब वो ऑडिटर बताते खुद ही नहीं बल्कि उसके स्पाउस भी स्पाउस मर्द के लिए बीवी और औरत के लिए खामंद को स्पाउस कहते हैं छोटे छोटे अल्फाज हैं स्पाउस भी उसके माइनर चिल्ड्रन भी और उसके पार्टनर्स भी अगर वो फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है ऑडिट फर्म तो उसके अंदर जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें से कोई भी उस ऑडिट क्लाइंट का शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए ऑडिट क्लाइंट मींस वो कंपनी जो है उसका शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए और ना ही उस कंपनी की कोई एसोसिएटेड जो कंपनी है उसका शेयर होल्डर होना चाहिए क्योंकि अगर वो उसका शेयर होल्डर होगा तो ये एक डिस्कालिफिकेशन होगी अब जहां पर एक और बड़ा उमदा सा पॉइंट आ जाता है कि हमने उस शख्स को ऑडिटर अपॉइंट किया जो शख्स ऑलरेडी शेयर होल्डर था अब उस वक्त जब वो ऑडिटर अपॉइंट हुआ उसके पास जितने भी शेयर होल्डिंग्स में थे वो उस बात को डिस्क्लोज करेगा उसके पास या उसके स्पाउस के पास या उसके माइनर चिल्ड्रन के पास या जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का वो ऑडिटर है पार्टनर है उसके अदर पार्टनर्स के साथ जो भी शेयर्स उस ऑडिट क्लाइंट के उनके पास थे वो उन्हें डिस्क्लोज करेंगे ये फैक्ट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के जी हम तो ऑलरेडी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और फिर सिर्फ डिस्क्लोज कर देना ही काफी नहीं बल्कि उसको डिसइन्वेस्ट करेंगे उनको बेच देंगे उनकी डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट के बाद विद इन नाइनटी डेज होना जरूरी है कि अब हम इस कंपनी के ऑडिटर बन चुके हैं हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद हैं वो हम डिसइन्वेस्ट करते हैं और ये 90 डेज के अंदर अंदर के काम हो चुकना चाहिए और जी लास्ट पॉइंट इसका अ पर्सन डिस्कालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ड्यू टू अब रीजन इज डिस्कालीफाइड फ्रॉम होल्डिंग द ऑफिस ऑफ ऑडिटर ऑफ एन अदर कंपनी विच इज अ सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट कंपनी यानी कि अब जो शख्स इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सका उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं करता वो इस कंपनी की होल्डिंग कंपनी का भी ऑडिटर नहीं हो सकता और इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी का भी ऑडिटर नहीं हो सकता ओके अगर वो एक कंपनी का ऑडिटर होने के काबिल नहीं है डिस्कालीफाई करता है तो वो उस कंपनी की होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का भी ऑडिटर नहीं हो सकता ये होल्डिंग और सब्सिडरी याद है आपको होल्डिंग कंपनी जो अपनी किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल रखती है वो होल्डिंग कंपनी होती है और सब्सिडरी जो कंट्रोल्ड होती है बाय इट्स होल्डिंग कंपनी वो सब्सिडरी होती है लाइक like, ए कंपनी के 50 परसेंट से ज्यादा शेयर्स अगर बी कंपनी के पास है तो बी कंपनी कंट्रोल कर रही है ए कंपनी को लिहाजा बी कंपनी उसकी होल्डिंग कंपनी होगी और ए कंपनी जो होगी वो बी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होगी सो ये तो ऐसे जिमन मैंने बात कर दी सो so, हमने ये डिसक्वालिफिकेशन देखी के भले वो शख्स चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है लेकिन वो इन सूरतों में डिसक्वालीफाई हो जाता है अब नेक्स्ट बात आती है पावर्स और राइट्स ऑफ एन ऑडिटर की मोटी मोटी जो उसकी पावर्स हैं वो तो ये है कि वो किसी भी बुक को इंस्पेक्ट करना चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो इंस्पेक्ट कर सकता है किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन मांगना चाहे मांग सकता है ये उसकी पावर्स हैं इसको हम देखते हैं अभी तरतीब में नंबर वन राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फिर राइट टू एक्सेस टू बुक्स एंड पेपर ऑफ ब्रांच यानी कि ऑडिटर इतना पावरफुल होता है कि जिस भी किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सपोर्ट में उसको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी कोई शख्स उसका इनकार नहीं कर सकता बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या वाउचर्स क्या ब्रांचेस के उनकी सेगमेंट्स के मुतल इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर करेगा ऑडिटर उसको पेश की जाएगी फिर मजीद उसकी पावर में शामिल है कि उसको एनुअल जनरल मीटिंग या किसी भी किस्म की जनरल मीटिंग का नोटिस जरूर सर्व किया जाएगा वो ऑडिटर है उसको जनरल मीटिंग्स में जरूर कॉल करेंगे अब जनरल मीटिंग्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक तो एनुअल जनरल मीटिंग है जो साल में एक मरत जरूर की जाती है एक एक्स्ट्राऑर्डनरी जनरल मीटिंग है तो जनरल मीटिंग जो भी हो है ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी जो जनरल मीटिंग है वो किसी भी वक्त साल के किसी भी हिस्से में किसी भी अहम मकसद के लिए होल्ड की जा सकती है लिहाजा जब भी कभी जनरल मीटिंग आपने होल्ड करनी होगी तो ऑडिटर की ये पावर है कि उसको नोटिस सर्व किया जाए नेक्स्ट एक और बात है कि जब ऑडिटर रिटायर हो रहा है या उसको आप रिमूव कर रहे हैं तो उसे आप राइट देते हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन दे ये किस सूरत में जब उसकी जगह एक नया ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो ये भी उसका राइट है उसके पास पावर है कि वो रिप्रेजेंटेशन दे सके वो बता सके कि मेरे काम से मुतल कोई एतराज़ नहीं है आपको मेरा काम कंप्लीट है मैंने अपने स्कोप के मुताबिक अपना काम कंप्लीट किया मेरे पर कोई एलिगेशन नहीं है ठीक है इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर दे सकता है सो so, ये बातें थी जी इसकी पावर्स के बारे में और इसके राइट्स के बारे में अब नेक्स्ट हम ऑडिटर की ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, उसमें शामिल है टू गिव अ रिपोर्ट। ये वही रिपोर्ट है जिसको ऑडिटर पेश करता है एक रीजनेबल एश्योरेंस हासिल करने के बाद यह उसकी ड्यूटी है कंपनीज ऑर्डिनेंस ये कहता है कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस हासिल कर ली सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस पर बेस करते हुए अब आप रिपोर्ट पेश करें तो जो रिपोर्ट पेश करेगा ऑडिटर मैंने आपको वैसे उस रिपोर्ट की एक समरी पिछले एक लेक्चर के अंदर बताई हुई है कि ऑडिटर बताता है कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर ली हैं, मेरा स्कोप क्या था और फिर मेरे मुताबिक ये ये चीजें जो हैं ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही हैं, ठीक है सो so, ये रिपोर्ट ऑडिटर को पेश करना होती है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक नेक्स्ट

मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी ये बात बता रहा था कि हमने अभी छोटी छोटी बातें सीखना शुरू की हैं अभी इन तमाम बातों की डीप डिटेल्स में हमने जाना है इनको हमने बहुत ज्यादा डिस्कस करना है इनकी तमाम निटीग्रिटीज पे हमने बातचीत करनी है फिलहाल अभी जो बात चल रही है वो चल रही है कि ऑडिटर की ड्यूटी क्या है उसमें हमने बात की कि ऑडिटर को रिपोर्ट पेश करनी है अब ऑडिटर को जो रिपोर्ट पेश करनी है वो दो तरह की हो सकती हैं। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट्स भी और क्वालिफाइड रिपोर्ट्स भी ये पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया हुआ एक सो मतलब। so, यहां पर वो कह रहा है कि जब ऑडिटर रिपोर्ट पेश करेगा और वो रिपोर्ट अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि वो उसमें प्रॉपर रीजंस पेश करे कि ये क्यों क्वालिफाइड रिपोर्ट है क्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब कि ट्रू एंड फेयर व्यू पेश नहीं कर रही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर वो रिपोर्ट अनक्वालिफाइड है तो उसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही हैं और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू पेश नहीं कर रही तो ऑडिटर जो रिपोर्ट पेश करेगा वो क्वालिफाइड रिपोर्ट कहलाएगी So, यहां पर यह चीज बताई जा रही है कि अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो वो रीजन बताएगा ऑडिटर उस रिपोर्ट में कि क्यों ये क्वालिफाइड रिपोर्ट है नेक्स्ट टू इंक्लूड इन द रिपोर्ट ऑफ द कंपनी सच मैटर्स एज डायरेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट अब यह भी एक बड़ा अहम नुकता है कि बाज सूरतों में फेडरल गवर्नमेंट ऑडिटर को पाबंद करती है कि आपने ये बात अपनी रिपोर्ट में जरूर बतानी है फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट आपको रिपोर्ट पेश की थी उसमें बॉटम पर एक पैराग्राफ था छोटा सा कि हमारे मुताबिक इस कंपनी ने जक़ात डिडक्ट की और उसको प्रॉपरली बैंक में जमा करवा दिया गवर्नमेंट के खजाने में अब यह रिपोर्ट ऑडिटर को पाबंद किया है देने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने कि आप जब ऑडिट करें तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताएं आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताएं आप अपने तमाम रीजनेबल एश्योरेंस पर बेस करते हुए ओपिनियन फॉर्म करें लेकिन आप साथ यह भी बताएं कि क्या इस कंपनी ने जक़ात डिडक्ट की है प्रॉपरली और इस कंपनी ने वो जिकात जो है बैंक में जमा करवा दी है ये चीज फेडरल गवर्नमेंट पाबंद कर रही है ऑडिटर को लिहाजा ऑडिटर अब लीगली पाबंद है कंपनीज ऑर्डिनेंस ने ये बात कह दी है कि कोई भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से बात हो कंपनीज ऑर्डिनेंस ने एक जामे सी बात कर दी है बड़ी कॉम्प्रीहसि वेन एवर फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट किसी भी वक्त आपको कह सकती है कोई भी नई बात कह सकती है के आप अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाएं इसको ऑडिटर पाबंद है उसकी ड्यूटी है टू फुलफिल द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट नेक्स्ट पॉइंट आता है टू अटेंड दो मीटिंग ऑफ अ लिस्टेड कंपनी आइदर हिमसेल्फ और थ्रू ऑथराइज पर्सन इन वेस्ट द बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट आर टू बी कंसिडर्ड अब ये ऑब्वियसली नॉर्मली एनुअल जनरल मीटिंग की बात हो रही है और यहां पर लिस्टेड कंपनी के बारे में बात हो रही है यानी कि अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है कि वो उसकी एनुअल जनरल मीटिंग को जरूर अटेंड करे या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर्स की ये ड्यूटी है कि खुद या अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को उन एनुअल जनरल मीटिंग्स में भेजे जिन एनुअल जनरल मीटिंग्स में सॉरी उन जनरल मीटिंग्स में भेजे जिन जनरल मीटिंग्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडर की जा रही हैं या उनमें ऑडिटर्स रिपोर्ट कंसिडर की जा रही है वहां पर अब ऑडिटर का खुद या रिप्रेजेंटेटिव का मौजूद होना बहुत जरूरी है क्लियर नेक्स्ट एक और बहुत अहम ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट फॉर इंक्लूजन इन प्रोस्पेक्टस अब यहां पर आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि दिस इज द डॉक्यूमेंट विच इज इन फैक्ट एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन टू द शेयर ऑफ द कंपनी ऐसा प्रोस्पेक्टस आपके मालूम में होना चाहिए आपको इनफैक्ट कंपनीज का कुछ नॉलेज तो पहले से मौजूद है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है पब्लिक को उस इन्विटेशन का नाम है प्रोस्पेक्टस अब उस इन्विटेशन के अंदर उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर एक रिपोर्ट शामिल की जाती है जो कि ऑडिटर की तरफ से होती है तो वो रिपोर्ट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल पौ, फाइनेंशियल पोजीशंस या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है कि जो कंपनी शेयर्स इशू करने जा रही है उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या हैं अब इसके बारे में जो ऑडिटर ने रिपोर्ट पेश करनी है ये उसकी ड्यूटी है अगर ड्यूटी फुलफिल नहीं होती तो उसके ऊपर फिर फाइन भी होते हैं वो भी नेक्स्ट में आपको बताऊंगा फिलहाल हमें ये मालूम हुआ कि प्रोस्पेक्टस में एक रिपोर्ट ऑडिटर की तरफ से पेश की जाती है नेक्स्ट है जी टू सर्टिफाई रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इन द स्टेचुटरी रिपोर्ट अब ये स्टेचुटरी रिपोर्ट ये इनफैक्ट वही रिपोर्ट है जो के इनिशियली जो प्रोस्पेक्टिस इशू किया जाता है उसका हिस्सा होती है जिसका अभी मैं लास्ट पॉइंट के अंदर जिक्र कर रहा था कि जब फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है तो एक स्टेटरी रिपोर्ट ऑडिटर की तरफ से पेश होती है उसमें ऑडिटर सर्टिफाई करता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स को कि उस दौरान में जिस दौरान में अभी उसकी कमेंसमेंट नहीं हुई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई अभी कमेंसमेंट नहीं हुई उस दौरान में कुछ रिसीट्स एंड पेमेंट्स होती हैं उसके बारे में ऑडिटर ओपिनियन नहीं देता सर्टिफाई करता है उसको सर्टिफिकेट इशू करता है कि इन रिसीट्स में ये ये चीजें शामिल हैं इन पेमेंट्स में ये ये पेमेंट्स शामिल अब वहां पर इसको ये स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के अंदर सर्टिफाई करना एक ड्यूटी का हिस्सा नेक्स्ट टू मेक रिपोर्ट ऑन डलरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इनकेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंगअप अब वो ऑडिटर एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप यह वाइंडिंग अप की भी कुछ किस्में हैं कुछ टाइप्स हैं जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक आपने पढ़ रखी होंगी उनमें से वॉल्टरिली जब कंपनी को वाइंड अप किया जाता है खत्म किया जाता है तो ऑडिटर की तरफ से एक स्टेटमेंट जरूर दी जाती है वो क्या कि ये कंपनी सॉल्वेंट है इनसॉल्वेंट नहीं है तो ये भी ऑडिटर का एक फर्ज है कि वो स्टेटमेंट पेश करे नेक्स्ट है टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड स्किल इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज एंड मेक सच इंक्वायरीज एज कंसिडर्ड नेसेसरी यानी कि आप रीजनेबल केयर एंड स्किल्स बहरहाल उसकी रिक्वायर्ड हैं कि उसने जो भी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है वो बाकायदा तौर पर उसमें प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए कंपनीज ऑर्डिनेंस भी ये बात कर रहा है अच्छा जी ये डिफरेंट ड्यूटीज थी जो कि हमने ऑडिटर की देखी कंपनीज ऑर्डिनेंस की रू से ऑडिटर्स जो रिपोर्ट पेश करता है उसके बारे में भी कंपनीज ऑर्डिनेंस ये कहती है कि वो रिपोर्ट पढ़ी जाना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ये कंपनीज ऑर्डिनेंस की एक प्रोविजन है जिसके मुताबिक ऑडिटर्स की रिपोर्ट का पढ़ा जाना जरूरी है ताकि शेयर होल्डर्स जो कि जनरल मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं वो जान जाएं कि ऑडिटर ने क्या रिपोर्ट पेश की है और उसके बाद एक और बहुत अहम प्रोविजन है कंपनीज ऑर्डिनेंस की वो है कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को साइन जरूर करेगा और उस पर डेट भी जरूर प्लेस करेगा और बताएगा कि प्लेस क्या है कौन सी जगह है कौन सा शहर है जहां पर कि वो बैठ कर इसको साइन कर रहे हैं इसकी अहमियत आपको पता चले कि जब हम ऑडिटर की लाइबिलिटी से मुतल बात करेंगे बहरहाल मैंने जो बात की इसको जेहन में रखिए कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक ऑडिटर की रिपोर्ट को एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पेश किया जाता है और उसको पढ़ा जाता है मजीद ये कि ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड बी साइंड एंड शुड बी डेटेड और उस पर प्लेस भी मेंशन होना जरूरी है नेक्स्ट अब हम बातें करते हैं ऑडिटर्स की लायबिलिटी से मुताल व्हेन वी टॉक अबाउट ऑडिटर्स लाइबिलिटी तो वो दो तरह की हैं एक सिविल लायबिलिटी और दूसरी क्रिमिनल लायबिलिटी इस सिविल लायबिलिटी को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं एक लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस और दूसरी लायबिलिटी फॉर मिसफीजेंस सबसे पहले तो ये फर्क मालूम कीजिए कि सिविल लायबिलिटी और क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या फर्क है सिविल लाइबिलिटी है कि जब कोई एक शख्स किसी दूसरे के एक्ट से महसूस करे कि उसको लॉस हुआ ये एक सिविल लाइबिलिटी है और क्रिमिनल लाइबिलिटी ये है कि जब किसी कानून के खिलाफ वर्जी की जाए तो उसके अगेंस्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी होती है ओके okay? जब किसी कानून की खिलाफ वर्जी की जाए तो जो लाइबिलिटी उसके ऊपर इंपोज होती है दैट इज क्रिमिनल लायाबिलिटी जैसे कि अभी हम देखेंगे कि कंपनीज ऑर्डिनेंस की कुछ प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी अगर ऑडिटर करता है तो क्रिमिनल लाइबिलिटी उसके ऊपर इंपोज होती है और अगर ऑडिटर के किसी एक्ट की वजह से कोई शख्स महसूस करता है वही ऑडिट क्लाइंट ही, ही महसूस करता है कि उसको लॉस हुआ वो सिविल लायाबिलिटी के जुमरे में बात आएगी सो सिविल लाइबिलिटी जो है वो फर्दर दो जगहों पर डिवाइड की हमने लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस एंड लाइबिलिटी फॉर मिसफीजेंस लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस में हम बात करते हैं लॉ ऑफ एजेंसी की यानी कि ऑडिटर बीइंग एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज विद रीजनेबल केयर एंड स्किल अगर वो रीजनेबल केयर एंड स्किल्स के तहत ऑडिट नहीं कर सका और ऑडिट क्लाइंट को कोई नुकसान पहुंचा तो इस पर सिविल लायबिलिटी फिर इंपोज होती ऑडिटर पर इसके कुछ केसेस हैं एक आध केस आपके साथ शेयर करता हूं फॉर एग्जांपल एक केस है आर्थर ई ग्रीन एंड कंपनी का वर्सेस सेंट्रल एडवांस एंड डिस्काउंट कॉरपोरेशन लिमिटेड उसमें यह बताया जाता है कि इट वॉज हेल्ड दैट ऑडिटर ज गिल्टी ऑफ नेग्लिजेंस ऑडिटर एक्सेप्टेड द स्केजल ऑफ डेटर्स फर्निश्ड बाई द क्लाइंट दो इट वॉज अपट्स वॉट रिकवरेबल अब यह चीज वाज थी कि डेट्स रिकवर नहीं हो सकते उसने उजल ऑफ डेटर्स पर रिलाय कर लिया उसने अपनी स्किल्स और ड्यू केयर के साथ उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं की उन डेटर्स की जबकि अप्रेंट था कि इनको तो पैसे मिलने नहीं इनके अगेंस्ट अब वो लॉस हो गया उसको कंपनी को इस पर जो ऑडिटर है उसकी ये सिविल लायबिलिटी बनती है लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस के तहत इसी तरह से एक और केस है जिसमें द लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी लिमिटेड वर्सेज शेयर हासलक एंड कंपनी उसमें कहते हैं इन दिस केस ऑडिटर फॉर नेग्लिजेंस बिकॉज ऑडिटर फेल्स टू वेरीफाई द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ कैश इन कैश बैलेंस एज पर बुक्स डिट नॉट एग्री विदिजिकल बैलेंस द डिफरेंस वॉज मिस एप्रोप्रिएटेड बाई द कैशियर सो यहां पर अगेन ऑडिटर की नेग्लिजेंस है उसको चाहिए था कि क्लोजिंग डेट पर वो फिजिकली कैश को वेरीफाई करता कि कैशियर ने कोई एम्बेजलमेंट तो नहीं की हुई अब वो उसने नहीं किया उसकी वजह से जो लॉस हुआ वो सारा का सारा ऑडिटर के ऊपर आता है सिविल लायबिलिटी लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस अब हम बात करते हैं लायबिलिटी फॉर मिसफीजेंस की ये मिसफीजेंस के लिटरल मीनिंग्स ये हैं कि कोई लीगल काम आप लॉफुली ना कर रहे हो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है मतलब एक कानून के तहत जो काम करना चाहिए था उसको आपने अनलॉफुली किया ड्यूटी को आपने सही परफॉर्म नहीं किया ड्यूटी परफॉर्म की लेकिन ठीक परफॉर्म नहीं की इसके बारे में यह कहा जाता है कि द टर्म मिसफीजेंस मींस ब्रीच ऑफ ड्यूटी इफ ऑडिटर डज समथिंग रॉन्ग इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज

तो वो लाइबिलिटी फॉर मिसफीजेंस का शिकार हो जाएगा अब हम क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में भी कुछ बातचीत कर लेते हैं हल्की फुल्की से डिटेल्स इसकी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बाद में बता दूंगा आप क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में ये जेन में रखिए कि जब किसी कानून को तोड़ा जाए तो क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है अब ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तीन पॉइंट्स हैं मैं आपके सामने पेश करता हूं इफ ऑडिटर फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 157, फिफ्टी सेवन टू और टू फिफ्टी सेवन ही शेल बी पनिशेबल विद फाइन अप रुपीज वन हंड्रेड थाउजेंड नेक्स्ट क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में एक और सेक्शन है कंपनीज ऑर्डिनेंस का वो कहता है इफ चार्जेस ऑफ फोर्जरी आर ब्रॉट अगेंस्ट एन ऑडिटर ही मे बी लाइबल To imprisonment for a term which may be extended to two years or fine up to rupees twenty thousand or both. Or next a course section is criminal liability reference If in any report the auditor makes a false statement, he shall be liable to imprisonment for a term up to three years and a fine not exceeding rupees twenty thousand. So, आपने देखा कि ऑडिटर को माफ नहीं किया जाता अगर उसने कोई क्रिमिनल लायबिलिटी की है अगर कोई क्राइम किया है ना वे तो उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज होती है अब जैसे सेक्शन 157, 255 और 257 का जिक्र हुआ 157 में वो स्टेचुटरी रिपोर्ट की बात थी जो प्रोस्पेक्टिस के अंदर उसने पेश करनी है सर्टिफाई करना है एंड पेमेंट को अब वो सर्टिफाई अगर ठीक नहीं किया तो क्रिमिनल लायबिलिटी इसके ऊपर इंपोज हो गई इसी तरह से 255 के अंदर ऑडिटर्स रिपोर्ट की बात थी कि ऑडिटर्स ने रिपोर्ट पेश करनी है अगर ऑडिटर रिपोर्ट ही पेश नहीं करता तो क्रिमिनल लायबिलिटी एक लाख रुपए का जुर्माना और इसी तरह 257 का जिक्र आया था अभी इसमें कि 257 सेक्शन की अगर वो खिलाफ वर्सी कर रहा है तो उसके ऊपर फिर 1 लाख रुपए का जुर्माना वो क्या था 257 कि उसने ऑर्डर्स रिपोर्ट को साइन करना है अगर उसने साइन नहीं किया तो फिर उसके ऊपर जुर्माना सो क्रिमिनल लायबिलिटी क्या हुई कि जब कानून को आप फुलफिल नहीं करते जो कानून में आपको कहा गया करने को आप उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप क्रिमिनली एक एक्ट कर रहे होते हैं और उसके ऊपर फिर आपकी लाइबिलिटीज और फाइन और इंप्रिजनमेंट तक भी बातें कि दो साल की इम्प्रिजनमेंट भी होगी ओके okay? जी ये चंद एक बातें थी हमारे आज के लेक्चर के रेफरेंस में जिसमें हमने कुछ ड्यूटीज कुछ राइट्स कुछ पावर्स और फिर लास्ट में कुछ लाइबिलिटीज की भी बात की इन नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं दोबारा रिवाइज करूँगा उस वक्त तक आप खुद से भी इसको एक नज़र अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर अगली बातें तो नेक्स्ट लेक्चर में होंगी ही मुझे इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज